जिला स्तरीय एथलेटिक्स का आयोजन एनटीपीसी परियोजना सेल्दा के संयोजन में शौर्य क्रीड़ा प्रांगण में किया गया। अंडर 14, 17 और 19 आयु वर्ग के जिले भर से 50 विद्यालयों के 600 खिलाड़ियों ने जोश जज्बे और जुनून के साथ प्रतियोगिता में सहभागिता की। प्रतियोगिता का शुभारंभ राजेश कुमार कनौजिया CGM NTPC जिला शिक्षा अधिकारी KK डोंगरे के आतिथ्य में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कनौजिया ने विद्यार्थी खिलाड़ियों को शुभकामना देते हुए कहा कि आपकी उपस्थिति को देखकर प्रसन्नता के साथ साथ स्फूर्ति और एनर्जी का एहसास हो रहा है। खेल हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का उत्तम साधन है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलों में सहभागिता जरूरी है। खेलों में रुचि रखकर हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जिसका शरीर स्वस्थ रहता है वो शिक्षा के क्षेत्र में उच्च आयाम प्राप्त करते हैं। आपकी प्रगति, उन्नति, शिक्षा आदि सभी आपके स्वास्थ्य के कनेक्टेड हैं और स्वास्थ्य खेलों से कनेक्टेड है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में खेलों से जुड़े और शारीरिक रूप से स्वस्थ बने रहे। जिला शिक्षा अधिकारी KK डोंगरे ने कहा कि खेलेगा इंडिया, दौड़ेगा इंडिया, तभी तो स्वस्थ रहेगा इंडिया। क्रीड़ा निरीक्षक हबीब बेग मिर्जा छाबर सिंह मंडलोई ने बताया कि स्पर्धा के प्रारंभ में अतिथियों द्वारा मशाल प्रज्वलित की गई, जिसमें बाल भारती विद्यालय NTPC टाउनशिप के विद्यार्थियों ने कोच हाशिम खान के साथ मशाल थाम कर ट्रैक पर चक्कर लगाया। इसके पश्चात अतिथियों द्वारा रंगीन गुब्बारे गुच्छे उड़ाकर बताया कि स्पर्धा में जिले की एक सशस्त्र टीम बनेगी। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। वो अब भी खत्म हो जाएगा, वहाँ पे जाएगा और खत्म हो जाएगा। यूज चौथे पाँच जो नंबर बात कर सकते हैं। ये है शुरू में आगे हो गया, पीछे गया। आराम से दो अपना, नहीं तो वो जाने करना पड़ेगा। थोड़ा जरूर किंतु थोड़ा पीछे मददगार साबित होता है और इस प्रकार से अंतिम खिलाड़ी तक ये मशाल पहुंची और ये खिलाड़ी लाकर यहाँ पर हमारे मशाल स्टैंड पर इस मशाल को रखेंगे और हमारी स्पर्धा के चलने तक ये मशाल जलती रहेगी। इस मशाल सेरेमनी के पश्चात मैं अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे हुए नील गगन के अंदर हमारे अतिथियों के द्वारा इन गुब्बारों को छोड़ा जा रहा है। आ जाओ बेटा, आ जाओ, दो तीन बालिकाएं आ जाए, दौड़ के चलो बेटा, ट्रेन सूट में आई चलो। ये हमारे CAJM सर और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय की बच्चों के प्रति प्रेम और स्नेह को दर्शा रहा है कि बच्चों के द्वारा इस सेरेमनी को पूरा कराई जा रही है। जोरदार तालियां। अब ये हमारे खरगोन जिले की अलग अलग टीम थी और ये टीम गुच्छों के तरह एक ग्रुप बनकर खरगोन जिले की टीम यहाँ से बनेगी। ये रंगीन गुब्बारे इसी बात को इंगित कर रहे हैं कि हमारे खरगोन जिले की टीम बनने जा रही है यहाँ से। इसके पश्चात आप सभी कोचेस और हमारे धन्यवाद सर, सभी खिलाड़ी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं शपथ लेता हूं, कि जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पूर्ण निष्ठा से
खिलाड़ी भावना के साथ भाग लूंगा। मैं पूर्ण रूप से अनुशासन में रहकर प्रतियोगिताओं में भाग लूंगा। मैं निर्णायकों के किसी भी निर्णय पर संदेह नहीं करूंगा। जय हिंद। परिसर मिला है और जैसे मिर्जा जी ने कहा है कि जो हमने अनुमान लगाया था उससे 2 गुना विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस हिसाब से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिन पहले ही यहाँ पर कबड्डी की एक विकास खंड स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी, उसमें भी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर यहाँ हिस्सा लिया था। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक वाक्य है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। फिट इंडिया मूवमेंट जो उन्होंने लागू किया है, जन जन तक खेल भावना पहुंचे, हर विद्यार्थी खेल के प्रति समर्पित हो, खेलेगा इंडिया, दौड़ेगा इंडिया, स्वस्थ रहेगा इंडिया, ये उनकी एक बहुत बढ़िया परिकल्पना है और उसको साकार करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक विशाल पांडाल यहाँ पर दिख रहा है, कई विद्यालयों के विद्यार्थी यहाँ खेलने के लिए आए हैं, निश्चित रूप से उनको अच्छा अवसर मिला है। मैं चाहूँगा सभी विद्यार्थी खेलों के प्रति समर्पित रहें। विद्यार्थी जीवन बड़ा अनमोल है। हम लोग भी जो मंच पर बैठे हैं सभी विद्यार्थी जीवन से गुजरे हुए हैं और हमारे अनुभव जो हमारे पास है हम विद्यार्थियों को साझा करते रहते हैं, क्योंकि विद्यार्थी जीवन रिपीट नहीं होता। तो मैं विद्यार्थियों से जो खिलाड़ी के रूप में यहाँ उपस्थित हैं उनसे यही अनुरोध करता हूँ कि विद्यार्थी जीवन का जितना भी उपयोग कर सकते हैं करना चाहिए। ये एक ऐसा समय है, विद्यालयों में हम कहते रहते हैं कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय की कद्र करें। समय की आज जो विद्यार्थी कद्र करेगा निश्चित रूप से भविष्य में समय आपकी कद्र करेगा। ये आपके जीवन में होना चाहिए और विद्यार्थी जीवन में भविष्य निर्माण। हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमें जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजन करने का अवसर मिला है। हमारे इस प्रांगण में करीब 550 से ज्यादा प्रतियोगी बच्चे, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, बच्चियां हमारे बीच में उपस्थित है। आप सबको देख के हमें बहुत ही स्फूर्ति और एनर्जी का एहसास हो रहा है। हम विद्युत का उत्पादन जरूर करते हैं लेकिन ऊर्जा का प्रवाह तभी होता है जब आप जैसे ऊर्जावान खिलाड़ी हम लोगों के बीच में हो। आप सबको इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस प्रांगण में आए हैं और बहुत अच्छे से खेल करेंगे, खेलकूद करेंगे, बहुत अच्छे से प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे और नए नए कीर्तिमान, नए नए आयाम स्थापित करेंगे। हम लोग को भी कुछ उत्कृष्ट खेलों का प्रदर्शन देखने का अवसर प्राप्त होगा। खेल हमारे स्वास्थ्य का उत्तम रखने का एक अभिन्न तरीका है। अगर हम अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो हमें खेलों में रुचि रखनी होगी और खेलों में रुचि के जरिए हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वास्तव में शिक्षा में भी आगे बढ़ने के लिए अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। उत्तम स्वास्थ्य होगा तभी आप शिक्षा में भी अच्छा आयाम प्राप्त कर पाएंगे। तो आपकी प्रगति, आपकी उन्नति, आपकी शिक्षा, सब कुछ आपके स्वास्थ्य से कनेक्टेड है और आपका स्वास्थ्य आपके खेलों से कनेक्टेड है। मुझे पूरी उम्मीद है आज का दिन जो आप। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।